अरे वाह गाइस, बल्ले 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 बल्ले, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। अब तो मैं इन दोनों सूटों को ऑनलाइन डाल दूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मैं तो बहुत ही रिचेस्ट रेड हल्क हूँ, क्या बात है। बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, हे। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा जैसे ही मैं इन दोनों सूटों को ऑनलाइन डाल दूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। चलो एक काम करता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। बचाओ गाइस, मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। अरे ये क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा यार पुअर बन गया। अरे नहीं, मेरे पास तो $1 भी नहीं बचा। मेरे सूट कहाँ गए गाइस? किसी ने मेरे साथ साजिश रची है, किसी ने मेरे सारे सूट चुरा लिए या बर्बाद कर दिए और मुझे गरीब बना दिया। अब तो दोस्तों मुझे फ्रैंकलिन के पास जाना होगा और फ्रैंकलिन से मदद मांगनी होगी। मुझे पुअर से रिचेस्ट बनना होगा फिर से। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, अरे भाई तू कौन है और बड़ा सूखा सा है? अरे मैं रेड हल्क हूँ। हाँ रेड हल्क भाई, तुझे क्या हो गया ऐसा? असल में किसी ने मेरे सूटों को फाड़ दिया और मैं बहुत ही पुअर बन गया। प्लीज मुझे रिचेस्ट बना दे। भाई मैं खुद पुअर हूँ यार। चले काम करता हूँ, मैं ना तेरा होस्ट बन जाता हूँ। हम साथ में मिलकर मिशन करेंगे, पैसे कमाएंगे और नए नए सूट खरीदेंगे, फिर जाके हम बनेंगे रिचेस्ट रेड हल्क, वो भी $100 मिलियन वाला सूट खरीद के। लेकिन भाई हम ऐसा करेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। हमने एक काम करते हैं, अभी जाते हैं और जाकर कोई जॉब वॉब ढूंढे। एक मिनट, ये किसकी आवाज आ रही है? ओए आज तो मजे ही आ गए। ओ भाई ये कौन है यार, और ये बंदा यहाँ पर खड़ा क्यों है ऐसे करके? कुछ तो दिक्कत लग रही है मुझे दोस्तों। और यहाँ पर कोई आया तो नहीं? चुपचाप पहले देख लो। गाइस यहाँ पे मैं छुपा हुआ हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। मैं ना आज दुनिया का सबसे महंगा सूट खरीदूंगा क्योंकि मैंने सुना है कुछ नए नए सूट ऑनलाइन आए। अरे फ्रैंकलिन कहीं ये मेरे सूट ही तो नहीं है? भाई तेरे सूट तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? अरे भाई ये वाला खरीदूंगा। अरे फ्रैंकलिन ये मेरा, ये देख वो सूट है, मेरे सूट किसी ने ऑनलाइन डाल दिए। अरे गाइस देखिए यार, हम तो यहाँ पे नूब है और वो रिच बना पड़ा है। गाइस ये तो बहुत गलत बात है यार, लेकिन ये सूट डाले किसने ऑनलाइन? दोस्तों मुझे किसी भी हालत में ना सारे पैसे कमा के फिर से रिचेस बनना पड़ेगा और इस बेचारे रेडल की मदद करनी होगी। हम भी एक काम करते हैं, उस वेबसाइट को ढूंढते हैं। अरे वेबसाइट तो मिल गई गाइस, लेकिन लॉक्ड है। प्लीज मेरी मदद कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो कमेंट में यस लिख देना या फिर फ्रैंकलिन ओपी, उससे ना गाइस हमारी वेबसाइट अनलॉक हो सकती है। हाँ गाइस प्लीज इस रेडल के लिए कर दो। तो गाइस यहाँ पे शॉप तो ऑनलाइन हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से खुल चुकी है और यहाँ पर एक सूट मेरे पास है ऑलरेडी। 2 मिलियन, 15 मिलियन, 45 मिलियन, 100 मिलियन। ओ माय गॉड गाइस, ये तो बड़े कमाल के सूट लगते हैं, तभी सारे इतने महंगे हैं। लेकिन दोस्तों इतना पैसा भी तो होना चाहिए हमारे पास। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? बाप रे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे टोनी स्टार्क के सारे सूट चोरी हो चुके हैं। अरे टोनी स्टार्क के भी सूट चोरी हो गए? भाई ये गलत हो रहा है, हम सबके साथ सबके सूट चोरी हो रहे हैं और ऐसे तो सब गरीब हो जाएंगे। अरे बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊंगा यार बिना सूट हो गए। अब तू कौन है? मैं फ्रैंकलिन हूँ। फ्रैंकलिन तुझे क्या हो गया? ये भाई मैं रेड का हाउस बना हुआ क्योंकि ये बेचारा पुअर हो चुका है, इसे मुझे रिचेस्ट बनाना है। अरे भाई मेरे सूट भी किसी ने चुरा लिया है, मुझे नहीं पता किसने चुराया। कोई नीला टाइप का हल्क था, पता नहीं वो कौन था। प्लीज फ्रैंकलिन मेरे सूट वापस ले आ। अगर तू मेरे सूट वापस ले आएगा मैं पक्का तुझे $2 मिलियन दूंगा। क्या $2 मिलियन? अरे वाह $2 मिलियन, ये तो बहुत सही हो गया ना रेड हल्क। बिल्कुल भाई, फिर तो हम जल्दी चलते हैं और जाकर उसके सूट वापस लाते हैं। ओ माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क का शक सही था, वो नीला सा हल्क यही है गॉड ब्लू हल्क, और इसके पास टोनी स्टार्क के सारे सूट हैं। अरे दोस्तों मुझे किसी भी हालत में टोनी स्टार्क के सूटों को टोनी स्टार्क तक वापस लेके जाना होगा और हमें $2 मिलियन मिलेंगे और इससे ना हम अपने हल्क को थोड़ा सा रिचेस्ट बना देंगे। बिल्कुल भाई, अब क्या कर रहा है तू? मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना यहाँ पर एक बॉम्ब लगा रहा हूँ जिससे कि मैं जब इसको अपनी तरफ खींच कर लाऊंगा, कहने का मतलब डिस्ट्रैक्ट करके, तो मैं इसको बॉम्ब से फाड़ दूंगा। ये प्लान तो अच्छा है, लेकिन कहीं हम ही ना पड़ जाएं। अरे इसका बटन मेरे हाथ में, डोंट वरी भाई तू रेड हल्क, हम कर लेंगे। अब भी ना गाइस हमको जाना पड़ेगा सीधा इस गॉड ब्लू हल्क के पास। हे ब्लू हल्क, और बल्ला बल्ला, मजा आ गई मजा आ गई। अरे गाइस इसकी आवाज तो लिटरली हमारा जो मुच्छड़ रेड हल्क है उसके जैसी लग रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखना या फिर यस लिख देना। अब चुप कर, कौन है तू? बेटा मैं तेरा बॉस हूँ, बॉस बोलता है रुक जाता हूँ। गाइस गाइस अभी आ रहा है, अब भी देखो हम इसको ब्लास्ट करेंगे। ये बड़ा ओबामा। गाइस यस, हमने गॉड ब्लू हल्क को सही तरह से बेहोश कर लिया यहाँ पर। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, तूने तो बहुत ही सही स्ट्रेटेजी लगा ली। भाई तू इमोशनल मत हो, चिंता मत कर, अब भी ना हम $2 मिलियन कमाने वाले हैं क्योंकि जितने भी सूट तुझे सामने दिख रहे हैं ये सब मैं टोनी स्टार्क के पास जो पहुंचा दूंगा। बिल्कुल भाई, अभी के अभी करते हैं हम ये। तो ठीक है गाइस, अभी टोनी स्टार्क कॉल लगा रहे हैं। हां फ्रैंकलिन जल्दी से आजा भाई, तेरे सूट मुझे माइनशाफ्ट के रास्ते पर मिल गए और मैंने गॉड ब्लू हल्क को भी हरा दिया है। क्या बात है फ्रैंकलिन, अब भी आया 2 सेकंड में? 2 सेकंड में कैसे आ सकता है ये आया, मैं एकदम धूम मचा दूंगा। ओ भाई ये तो सच ही बोल रहा था, कौन सी स्पीड से आया? मैं असल में GPS ट्रैकर का यूज करके तेरा पीछा कर रहा था, मुझे शक था कहीं तू चोरी वोरी ना कर ले। क्या करूं भाई, किसी पे यकीन नहीं कर सकता। अरे तूने मुझ पर शक किया? अरे भाई गुस्सा मत हो, प्लीज माफ कर दे। कोई नहीं फ्रैंकलिन, माफ कर दे इसको। हाँ तो भाई तूने मेरे सूट लौटा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं तो गरीब हो गया था फिर से अमीर हो गया। ये ले, मैं तेरे अकाउंट में पूरे $2 मिलियन
ट्रांसफर कर देता हूँ। बहुत सही गाइस, अब भी हमारे अकाउंट में टोनी स्टार्क ने $2 मिलियन ऐड कर दिए हैं। अब भी इन पैसों का हम कोई नया सूट खरीद सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, एकदम सही रास्ता है ये। अब भी निकालते हैं, हमें काम करते हैं स्मार्टफोन। ओके गाइस, यहाँ पर राइट साइड टॉप पर देखिए लॉक बटन लगा पड़ा है, अनलॉक करने के लिए ना हमें इसे बाय करना पड़ेगा। अरे ये तो रेड टेबल का सूट है। अरे वाह भाई, इतने सस्ते में मिल रहा है। बिल्कुल यस गाइस, देखिए ये सूट काफी सस्ते में मिल गया। ये वाला सूट तो यार तेरे पास था नहीं ना पहले? बिल्कुल भाई, ये तो मेरे पास था ही नहीं। अरे यार थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, अब हम रिचेस बनते जाएंगे। यस गाइस, अब भी हमारे अकाउंट में बेशक $0 है, लेकिन हमारे पास सबका पूरा जो सूट है वो $2 मिलियन का है। ओ गाइस, ये क्या चल रहा है सामने? मजा आ गया, मैंने कैसी मशीन बना ली है जिससे मैं किसी भी शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। क्या ये किसी शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस मशीन से? लेकिन ऐसा क्या है इस मशीन में? मेरे पास एक आइडिया गाइस, ये झूठ बोल रहा है सच? इस बात को पता लगाने के लिए हम ना यहाँ पर छुप जाते हैं, तब जाके देखते हैं कि ये इस बात में कितना झूठ या कितना सच बोल रहा है। ये देखो इस मशीन का कमाल, मैं तो महान ग्रेट हूँ, मेरे मीटियोर्स कितने खतरनाक हैं। ओ माय गॉड गाइस, ये तो लिटरली मैं शहर देगा भाई, देश खत्म कर देगा। ये मशीन की पावर कुछ ज्यादा औसम नहीं है, देखिए किस तरह से तबाही मचा रहा है भाई। अब मैं लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगा और लॉस सैंटोस की बैंड बजा दूंगा। अरे गाइस, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए तू कौन है? मैं रेड डेविल हल्क हूं। हां फ्रैंकलिन भाई, हम इसकी बैंड बजा देंगे और हम और रिचेस बनेंगे। बिल्कुल, अगर मैंने गाइस सियोन हल्क को यहां पर पीट दिया और मशीन को भेज दिया टोनी स्टार्क को, क्योंकि सही हाथों में चली जाएगी, तो हमें 10-15 मिनट और मिल जाएंगे। बकवास बंद कर, अरे तेरी तो ये ले। दोस्तों आप बताओ, आप किसकी तरफ हो? आप मेरी तरफ हो या फिर इसकी? अगर मेरी तरफ हो तो कमेंट में रेड हल्क लिखो, और अगर इसकी तरफ हो तो सियान हल्क लिखना। प्लीज मेरी तरफ रहना, क्योंकि हमारा अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम शहर को बचा रहे हैं। और दोस्तों हम गरीब से अमीर भी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बेचारे रेडल के साथ बहुत गलत हुआ। पहले तो मुझे ये पता करना है कि रेडल के सूट डिस्ट्रॉय किसने किए थे। हाँ भाई, किसी ने मेरे सूट डिस्ट्रॉय नहीं किए, उसने सूट चुरा कर मुझे पीट कर मेरे सूटों को बेच दिया ऑनलाइन शॉप में। हाँ बात तो सही कह रहा है। फिलहाल गाइस एक काम करते हैं, इस वाली शॉप को उठाते हैं और लेके चलते हैं टोनी स्टार्क के पास। सो गाइस, अभी चलते हैं हम सीधा स्टॉक में आराम से। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं। अरे वाह क्या बात है, ये किस तरह की मशीन लाया? चारा काटनी मशीन है क्या? भैंस भैंस गाय वाय को खिलाने के लिए? अरे ऐसे मजाक मत कर, ये कैसी मशीन है जो पूरे शहर को तबाह कर सकती है? मैंने अभी जस्ट सियोन किंग हल्क से ये छीनी है, उसको पीट पीट कर, क्योंकि वो हमारे लोसेंट को तबाह करने वाला था। ऐसी बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? अरे ये रेड हल्क है। ओ तो ये मशीन की कीमत देखता हूँ। अरे वाह, ये तो $150 मिलियन की है। चलो इसको काम करता हूँ, सस्ते में निपटा देता हूँ। एक काम करता हूँ फ्रैंकली, मैं तुझे $15 मिलियन दे रहा हूँ भाई, ज्यादा दे रहा हूँ पैसे। गाइस देख रहे हो, मैंने इसकी बातें सुन ली थी, इस मशीन की रियल कीमत $150 मिलियन है और इसने मुझे बस $15 मिलियन दिए। गाइस भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने उसकी मदद की फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कोई नहीं गाइस, अब भी ना $15 मिलियन में हम एक नया सूट खरीद लेंगे और पहले से और ज्यादा रिच बन सकते हैं। ये निकाला स्मार्टफोन। अरे वाह फ्रैंकलिन, लेफ्ट में देख भाई, टॉप पे मिडिल में यहाँ पर एक सूट है। हाँ भाई, ओ भाई ये तो गॉड रेड हल्क है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इससे नेक्स्ट सूट कौन सा होगा, ये क्या भाई? ऑल राइट गाइस, अब भी हम गॉड हल्क बन चुके हैं और यहाँ पे मेरी पावर अब गॉड लेवल की हो गई है, क्योंकि मैं गॉड जब बन गया हूँ। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ और पैसे कैसे कमाऊँ, और भी रिचेस्ट बनना है, और हमें अपने दुश्मन को भी ढूंढना है जिसने हमारे बेचारे रेड हल्क के सारे सूटों को छीन छीन के पता नहीं कहाँ लगा दिया शॉप वॉप पे। ये देखिए गाइस क्या ही खतरनाक पावर है, मतलब मजा ही आ रहा है। एक और बब्लो मारते हैं, 1 2 और ये। अरे भाई एक मिनट, यहाँ पर काम करता हूँ गाइस, मैं फोन में देखता हूँ क्या चल रहा है। बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे प्रेसिडेंट के घर से $45 मिलियन की चोरी हो गई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने चोरी की है। सुनने में आया कि ब्लैक हल्क हो सकता है, लेकिन कौन ले उससे पैसे, बहुत खतरनाक है वो, मारेगा। क्या ब्लैक हल्क ने प्रेसिडेंट के $45 मिलियन चुरा लिए? वैसे एक अफवाह है, सच भी हो सकती है। ओ भाई ये कोई अफवाह नहीं है गाइस, देखो लिटरली में उसके पास $45 मिलियन है। गाइस आजकल लूट पाट बहुत चल रही है, हमारे रेडल के भी पैसे छिन गए थे। हाँ भाई सही कह रहा है, निकलो यहाँ से, कौन हो तुम, भागो। अरे बाप रे तुम बहुत खतरनाक है गाइस। अरे नहीं 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 प्लीज, आई ये तो बहुत बुरा मार रहा है, रुक तुझे बताता हूँ बहुत हो गया गाइस, अभी हम भी लड़ेंगे। बिल्कुल भाई, हम साथ में मिलकर इसकी बैंड बजाएंगे और बहुत ज्यादा रिचेस बन जाएंगे। साथ सही कह रहा है तू, अब भी इसकी बैंड में जाता हूं मैं। ये ले ब्लैक हल्क, ये ले गाइस, यहां पर हम ब्लैक हल्क की सही चटनी बना रहे हैं। लेकिन यार ये तो मुझे भी पीट रहा है, और छोड़ मुझे, क्या कर रहा है मेरे साथ, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा बुरी तरह से पीटूंगा। ऑलराइट गाइस, ब्लैक हल्क को हमने यहां पर कर दिया
पूरी तरह से बेहोश। अब इससे पहले कि ये फिर से उठे, जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर इसका जितना भी कैश और मनी है उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। गाइज होप कि ये सारे के सारे पैसे 45 मिलियन डॉलर ही हों। जल्दी से देखता हूँ कितने हैं। ओके गाइज 45 मिलियन डॉलर हमारे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। अब भी निकालते हैं हम अपना स्मार्टफोन और गाइज राइट में देखिए मिडिल में एक 45 मिलियन डॉलर का सूट है, क्यों ना मैं इसको बाय कर लूँ। अरे वाह काफ़ी ऑसम लग रहा है यार ये। अभी काम करते हैं दोस्तों, बाय नाउ पे करते हैं हम क्लिक। ओके गाइज लुक एट मी, मैं यहाँ पर बन चुका हूँ दी वन एंड ओनली रेड रिवेंजर हल्क। अरे वाह भाई हम तो बहुत ही रिचेस्ट साउंड कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हम ये और पैसे कमाएंगे और ज़्यादा रिचेस्ट बनेंगे। ये क्या चल रहा है? अरे वाह 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 मजा आ गया। मैंने उस बेकार से नूब से रेड हल्क के सारे सूट छीन लिए। उसको लग रहा था कि वो ब्लास्ट हुआ, नहीं वो ब्लास्ट मैंने किया था और अब सारा पैसा मैं कमा रहा हूँ। मेरे अकाउंट में 500 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा आ गए। क्या इसका मतलब तेरे पैसे इसने चुराए? हाँ भाई इसने मेरे सूट चुराए, पैसे नहीं। ओ गाइस हमें हमारा दुश्मन मिल गया, ये ब्लू रिवेंजर। अरे बाप रे ये क्या तू रेड रिवेंजर कैसे बन गया? तू तो बहुत नूब हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, लेकिन फ्रैंकलिन ने मेरी मदद की और हम इतने रिचेस बन गए और अभी हम तुझसे पीट के हम तुझसे पैसे छीनेंगे और रिचेस बनेंगे। बिल्कुल सही कहा गाइस, अब समय आ चुका है इसकी बैंड बजाने का और भी ज्यादा पैसे कमाने का। अब भी देखो गाइस इसके अकाउंट में जितने भी डॉलर है ना हम उसको छीन लेंगे। इसके पास 100 मिलियन डॉलर है, नहीं मेरे पास 500 मिलियन डॉलर है। तो गाइस एक काम करेंगे, 500 मिलियन डॉलर में से हम 100 मिलियन डॉलर का सूट खरीदेंगे यार, 400 अपने अकाउंट में रख लेंगे। अरे नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। देखा गाइस अब ये माफी मांग रहा है क्योंकि ये पिट रहा है ना, इसने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। इसलिए गाइस देखिए मैंने उसकी सही सही बैंड बजा दी। मेरे हिसाब से गाइस अब समय आ चुका है इसके अकाउंट के सारे पैसे चुराने का। नहीं मेरे 500 मिलियन डॉलर प्लीज नहीं। ऑलराइट गाइस हमारे अकाउंट में आ चुके हैं पूरे के पूरे 500 मिलियन डॉलर और अभी इन 500 मिलियन डॉलर में से 100 मिलियन डॉलर का हम एक सूट खरीदेंगे और बाकी के 400 मिलियन डॉलर हमारे अकाउंट में रहेंगे क्योंकि हम दुनिया के सबसे रिचेस्ट रेड हल्क भी तो बनना है हमें। गाइज यहाँ पर एक सूट है जो 100 मिलियन डॉलर का अवेलेबल है। ये कैसा दिखता है देखना पड़ेगा इसको। ओ माई गॉड ये तो जायंट 3-हेडेड रेड हल्का सूट है, ये क्या बॉय। अरे वाह फ्रैंकलिन मैं तो सोच भी नहीं सकता था भाई ये कितना ही ऑसम सूट है। यस गाइज अभी मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट रेड जायंट हल्क बन गया हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में 400 मिलियन डॉलर प्लस मेरे पास है 100 मिलियन डॉलर का 3-हेडेड रेड जायंट का सूट। गाइज अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो प्लीज कॉमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।